गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम एडजॉइंट ऑफ इन मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि जब आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको आप एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को आप मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें, आपको एक मैट्रिक्स मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि मल्टीप्लाइड होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए से। ये केस रहता है आपका। ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। अगर सपोज आपकी जो मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3 कर लेता हूं, 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगी इसका ऑर्डर भी 3 होगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाइड होगी, इसका मतलब क्या कि जब मैं मैट्रिक्स लिखूंगा डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके होंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होंगे सारे 0। इस तरीके से लिखने का जो मतलब है वो ये। अब ऐसा क्यों मिलता है वो देखते हैं हम। देखिए, सपोज आपकी मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, जिसके एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये मैट्रिक्स हो गई आपकी। चलिए, अब इसकी आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, वो भी एक मैट्रिक्स होगी, वो कैसे मिलती है, पहले हम इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो मैं मिडिल जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है वो लिख देता हूं, एक्स नाम दिया मैंने उसका। इनके कोफैक्टर्स से, मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनेगी, a11, a12, a13। अब ये कैपिटल ए है क्योंकि कोफैक्टर्स को हम हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हो गई, पर अभी एडजॉइंट नहीं है। ये एडजॉइंट कब मिलेगी, जब हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स एक्स का जो ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, इनका ट्रांसपोज। a11, a12, a13। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज बिकम कॉलम्स एंड कॉलम बिकम्स रोज। a11, a12, a13, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, a21, a22, a23 ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, a31, a32, a33 थर्ड रो का हमने थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक, ये हमारे पास मैट्रिक्स आई। अब जब हम इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा मैंने, मैट्रिक्स ए लिखिए पहले आप, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको कौन सी मैट्रिक्स के साथ, एडजॉइंट ऑफ ए, वो हो जाएगी आपकी कैपिटल a11, कैपिटल a12, कैपिटल a13, कैपिटल a21, कैपिटल a22, कैपिटल a23, कैपिटल a31, कैपिटल a32, कैपिटल a33। ये मैट्रिक्स हैं जिनका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का, ये पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा। एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3x3 ऑर्डर की ही होगी। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का जो एलिमेंट होगा
वो कैसे मिलेगा आपको, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। सो इस केस में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए A11 मल्टीप्लाई कैपिटल A11, फिर एडिशन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे हम, A12 मल्टीप्लाई A12 प्लस एलिमेंट A13 मल्टीप्लाई विद को फैक्टर A13। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए प्रोवाइड कर देगा। सो पहला एलिमेंट हो गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। सेकंड एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A11 और सेकंड कॉलम जो है उसमें को फैक्टर्स आपको क्या मिलेंगे, A21। सो प्लस A12 मल्टीप्लाई को फैक्टर A22 प्लस एलिमेंट A13 और को फैक्टर A23। अब देखिए ये जो टर्म आई आपके पास ये इक्वल्स टू जीरो होगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आप किसी रो के एलिमेंट्स को दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं और ये फर्स्ट रो है। सो फर्स्ट रो को अगर आप सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट आपका जीरो आएगा। डिटरमिनेंट कब मिलता है हमें, जब सेम रो के एलिमेंट्स को हम उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें डिटरमिनेंट मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के ही कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी, बाकी हर केस में आपको जीरो मिलेगा। सो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहां पे देखिए वैल्यू आपको फिर डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। बाकी ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहां फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस केस में यहां वाला जो एलिमेंट होगा वो A33 होगा और वो जो एलिमेंट है वो कब मिलेगा, जब थर्ड रो के एलिमेंट्स थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सो यहां जो थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए में और थर्ड कॉलम जो है एडजॉइंट ऑफ ए में उसमें कोफैक्टर्स हैं थर्ड रो के, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें फिर से डिटरमिनेंट प्रोवाइड कर देगा। और इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स में से आप ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं और फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3, ठीक है। सो ये ऐसे आता है आपके पास आंसर।